निकाय चुनाव में छोटे दलों की बड़ी भूमिका, कोई खा रहा हिचकोले, किसी का मन डोले। सुबह सपा में प्रत्याशी बनने के लिए टारगेट, अपना दल के पास नहीं है अपनी रणनीति, आरक्षण नीति के हवाले है रालोद की नीति। उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं। सियासी आजमाइश का ये मंच छोटा जरूर है, लेकिन बड़ी प्रतिष्ठाएं दांव पर होंगी। राजनीति की इस छोटी लड़ाई में छोटे दल भी बड़ा कद और कदम दोनों रखते हैं, लेकिन जब बात छोटी लड़ाई की हो तो छोटे दलों की भूमिका भी बड़ी हो जाती है। देश में इस छोटे चुनावी समर में कौन से छोटे दल बड़ी भूमिका निभाएंगे और कौन से दल बड़े दलों का दामन थामेंगे और कौन सा दल अकेले ही परचम लहराएंगे, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लखनऊ में नगर निकाय चुनाव होने हैं, भले ही अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर जो छोटे दल हैं जो 2022 विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका रखते थे और उनका जो परचम था वो भी बहुत ही शानदार था। इस बार निकाय चुनाव में किस तरीके की तैयारियां हैं, ये जानने के लिए तमाम राजनीतिक दल जो छोटे दल हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की और जाना कि इस बार निकाय चुनाव में उनकी किस तरीके की अहम भूमिका रहने वाली है। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन के बाद तमाम जो राजनीतिक दल थे, जो छोटे दल थे, वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे, तो ऐसे में निकाय चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, आइए जानते हैं। निकाय चुनाव का औपचारिक ऐलान होना भले ही बाकी हो, लेकिन नगर और डगर होर्डिंगों और बैनरों से पटने लगी हैं। दीवारों पर चस्पा शुभकामना संदेशों वाले पोस्टर और सुबह सुबह अखबारों से अकस्मात निकलने वाले पंपलेट चिल्ला चिल्ला कर निकाय चुनाव का अनौपचारिक ऐलान कर रहे हैं। चुनाव का ये प्रारूप छोटा जरूर है, लेकिन बड़े बड़ों की साख उभरने और डुबोने का मादा रखती है। इन चुनावों के बड़े दल तो बड़े ही माने जाते हैं, लेकिन स्थानीय क्षेत्रीय और छोटे छोटे दल भी बड़ी भूमिका में सामने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करवट बदलने वाले दल सुबह सपा की। सुबह सपा यानी सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी ने पिछले निकाय चुनाव में राजधानी के 13 वार्डों में प्रत्याशी खड़े किए थे। पार्टी ने मेयर के चुनाव में भी अपना प्रत्याशी उतारा था। पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बेटे और राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने बताया कि इस बार सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, इसके साथ मेयर की सीट पर भी दावेदारी करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने बकायदा टारगेट सेट किया है। नगर पंचायत में 10,000 सदस्य बनाने वाला टिकट का दावेदार होगा तो पार्षद के लिए ये सीमा 2,000 रखी गई है। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा चुनावी तैयारी में लगी रहती है। एक चुनाव संपन्न होता है, दूसरे चुनावी तैयारी में लग जाते हैं। अपने संगठन के मजबूती के लिए हम हमेशा हर महीने प्रदेश की बैठक करते हैं, मंडल की बैठक करते हैं, जिले की बैठक करते हैं, विधानसभा ब्लॉक स्तर और गाँव स्तर तक बैठक हम करते हैं, और उस आधार पर जो चुनाव आते हैं सामने उन चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए, जैसे नगर पंचायत चुनाव आ गए, नगर परिषद के आ गए और हमारे पार्षद के जो चुनाव आ गए, तो उन पर हम अपने अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करते हैं कौन कहाँ किस दृष्टि में काम करेगा, किस दृष्टिकोण में किसको जिम्मेदारी क्या दी जाएगी। तो इधर बीच जो अभियान चल रहा था हमने कि जो जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है पंचायत चुनाव जो और नगर पंचायत में, उनको मतदाता सूची में जोड़ने का और ज़्यादा से ज़्यादा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सदस्य बनाने के लिए हमने टारगेट दिया था। नगर पंचायत लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए 10,000 टारगेट दिया था और पार्षद का जो चुनाव है उसको लड़ने के लिए हमने 2,000 टारगेट दिया। जो प्रत्याशी इन टारगेट को पूरा कर रहे हैं और जो संगठन में सभी लोगों को समायोजित करके काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को जो दल में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो दल के लिए दल के निर्देश के आधार पर जो काम किए हैं, ऐसे लोगों को पार्टी प्रत्याशी चयन करने के लिए हमने जिम्मेदारियां सभी अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है, जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी दे दिया है, वो जिला अध्यक्ष अपने अपने आधार पर वहाँ छोटे बड़े कार्यक्रम चला रहे हैं। वहीं गठबंधन को लेकर जब उनसे पूछा गया कि क्या इस निकाय चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तरह गठबंधन की कोई गुंजाइश है, तो उन्होंने नकारते हुए कहा कि सुबह सपा निकाय चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। वहीं प्रदेश की राजनीति में जन्म से हिचकोले खाती प्रसपा की बात करें तो वह अब भी हिचकोले ले रही है। प्रसपा की सारी रणनीति मैनपुरी चुनाव पर निर्भर है। प्रसपा प्रवक्ता का कहना है कि मैनपुरी चुनाव के बाद शिवपाल जब राजधानी आएंगे तब कुछ फैसला होगा। देखिए, पार्टी की पूरी तैयारी है। अभी आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी
छोटे नेताजी के साथ मैनपुरी में लगे हुए हैं और हम लोग की पूरी फोकस इस समय मैनपुरी, खतौली और रामपुर पे है, क्योंकि उस चुनाव हम लोग हर हाल में तीनों की तीनों सीटें जीतने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी निराश है, हताश भी है। जहाँ तक सवाल निकाय चुनाव का है, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह जी जब लखनऊ आएंगे सब कुछ तय हो जाएगा, आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। मैनपुरी चुनाव में चाचा भतीजे का मिलाप जरूर हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं प्रसपा इस बार फूक फूक कर कदम रखती नजर आ रही है। शायद उसके मन में डर है कि कहीं विधानसभा चुनाव की तरह मैनपुरी उपचुनाव के बाद भी शिवपाल अलग थलग ना पड़ जाएं। यही वजह है कि पार्टी अभी कुछ खुलकर नहीं कह पा रही है। दूसरी तरफ बात की जाए तो सपा के साथ गठबंधन में शामिल रालोद की तो वो आरक्षण का हवाला दे रही है और कह रही है कि जब तक आरक्षण सूची नहीं फाइनल हो जाती तब तक प्रत्याशियों की बात करना जल्दबाजी होगी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देगी। हमारा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, आज भी है और आगे भी रहेगा। नगर निकाय चुनाव में भी हम गठबंधन के साथ अपने प्रत्याशी उतारेंगे और वो गठबंधन किस सीमा तक होगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं ये समझता हूँ कि मेयर और चेयरमैन, नगर पालिका चेयरमैन पर तो पूरी तौर से गठबंधन के पक्ष में फाइनल होगा और ये जो सभासद की हैं या पार्षद की सीटें हैं इन पर विचारणी है कि नेतृत्व कितनी सीटें हमको देता है, कहाँ पर फ्रेंडली फाइट होती है, कहाँ पर कैसे चुनाव होता है, ये समय बताएगा। अब बात करते हैं अपना दल की, जिसका अपनापन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निकाय चुनाव के लिए अभी अपना दल की कोई अपनी रणनीति नहीं बन सकी है। यही वजह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी भी शीर्ष नेतृत्व का हवाला दे रहे हैं। अपना दल का सवाल जो पूर्वोत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का है, इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने दमदारी के साथ अपने एनडीए गठबंधन के साथ खड़े रहे और मजबूती के साथ हम लोगों ने सरकार भी बनाई है और हम नगर निकाय का चुनाव जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का वो सब बैठ कर के तय हो जाएगा। और रही सवाल नगर निकाय की तैयारी की, हमारे पूरे कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं और सारी सीटों पर अपनी तैयारी पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व में जो हमारे दल के अंदर वार्ता हुई है उसमें हमारी लोगों की सोच है कि जो हमारे जनपद मजबूत हैं हम उन्हीं जनपदों में चुनाव लड़ें और मजबूती के साथ लड़ें और हमें अपने सहयोगी दल से हमें वो सीटें मिल जाए। अगर जो भी पार्टी नेतृत्व हमारा तय करेगा शीर्ष नेतृत्व, हम लोग उसी पर तैयारी अपनी पूरी तरह कर रहे हैं। सही मायनों में देखा जाए तो छोटे दलों में सुबह सपा के अलावा अभी किसी भी पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं है। बसपा, सपा, रालोद, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों ने भी अभी तक अपना एजेंडा फिक्स नहीं किया है, जबकि सूबे में निकाय चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में देखना होगा कि किस दल की क्या भूमिका होती है। लखनऊ से संवाददाता विनाश की रिपोर्ट।